हाय दोस्तों, क्या DNS की जो समस्या है वो एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकती है? क्या हम इसको कंजर्वेटिव भी ठीक कर सकते हैं? दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज जो है उसका नोटिफिकेशन आपको घर बैठे दोस्तों मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको DNS है या आपको कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम, तो हर आदमी कोशिश करता है कि बिना सर्जरी या कोई एक्सरसाइज से भी क्या वो ठीक हो सकता है। ऐसे ही बहुत बार हमारी क्वेरी आती है कि जो हमारा DNS है वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है क्या? दोस्तों DNS, जैसा आपको पता है कि हमारे नोज के अंदर जो हमारा नोज का जो सेप्टम है वो मिड लाइन में होके राइट या लेफ्ट में डेविटेड होता है, तो उसको DNS बोला जाता है। अगर दोस्तों DNS के कारण की बात करते हैं, तो DNS एक होता है कंजेनाइटल, जिसको हम जन्मजात DNS भी बोलते हैं, एंड एक होता है डेवलपमेंटल, कि धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उस टाइम पे जो है वो आपका DNS जो डेवलप होता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक भी होता है, स्पोर्ट्स इंजरी है या कोई और कोई इंजरी है। अब दोस्तों एक्सरसाइज का जो रोल आता है, बेसिकली अगर कंजेनाइटल किसी को DNS है, जो न्यू बोर्न को हमने देखा एंड उसका जो नोज है यूँ डेविटेड है, सो दोस्तों हमारा लिटरेचर कहता है कि अगर बच्चा जन्मता है उस टाइम पे उसके नाक के पर्दा टेढ़ा है, अगर उसको रोज़ हम मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो मूव हो सकता है, वो जो है मिड लाइन में आ सकता है, सीधा हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों डेवलपमेंटल जो DNS होता है, जो हम बाद में देखते हैं कि जो DNS हुआ है उसमें दोस्तों एलर्जी से जो है उस DNS को उसको जो एक्सरसाइज से है उसको हम जो है वो सीधा करना ये नामुमकिन है, बट अगर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो DNS की जो प्रॉब्लम है दोस्तों उसके अंदर आपको जो है रिलीफ ज़रूर होता है, क्योंकि अंदर की जो है म्यूकोजा है वो श्रिंक होती है, एंड जो हमारा DNS है उसके अंदर जो नैरो स्पेस है उसको और वाइडनिंग होती है, तो हमें क्या है ब्रीदिंग में हमें रिलीफ मिलता है। सो देखा दोस्तों कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एक्सरसाइज से भी क्या हमारा DNS हो सकता है या नहीं। थैंक यू।